रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ। सर सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। वाह क्या सीन है। अंकल कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? हमारे पास ये हमारी बात ये जिम्मेदारी हुई है। उस दिन भीड़ में कोई हमें सभी कोई 500 रुपया खाना खाए, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, इस तरह सारा दिन में हमारा चलता रहा है। हमारे 75,000 रुपए इकट्ठा हो गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ठीक बेटा, तो बोले मैं दे दूंगा, मैं दे देना। फिर गौरव जी वहाँ से बड़ा ब्राउन होने देना इसको। कुछ याद आया? सुनाई नहीं दे रहा। बाबा क्या हुआ है भाई? आपको तो पेपर में खुद ही आ गए, पढ़े होगे, देखे होगे क्या है। अब क्या है पेपर में पढ़ के देख लो क्या है। नहीं है जो लिबे लिबे करते थे, हमें चाहिए फुल इज्जत। ऐसा किसके अकाउंट में था, आपके या उसके अकाउंट, गौरव के अकाउंट? अब वही बताने जा रहा हूँ फिर आप। तो फिर आप 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 I got broads in Atlanta, chicks with the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. What's up everybody, क्या हाल है सभी के? तो आज तुम्हारा भाई श्रेष्ठ आया एक नई वीडियो के साथ। तो आज की एक वीडियो जो है वो है अपने भाई के कांता प्रसाद के लिए, ठीक है। कांता प्रसाद को नहीं पता वो तुम एक बार देख लो, ये है कांता प्रसाद, पहचाना? अगर अभी भी नहीं पहचाना तो ये है बाबा का ढाबा, जिसका है उसका ओनर, ठीक है। इसने जो इस समय इतना ये भी फ्रॉड कर रहा है, जिसने इसके साथ फ्रॉड किया वो जो गौरव करके है, दोनों मिलके जो फ्रॉड कर रहे हैं, देखो हमें इतना नहीं पता, पर जो मैं आजकल वीडियोस में देख रहा हूँ कि जैसे कि ये इसको बोलने का बिल्कुल अब ढंग नहीं रह गया। जैसे कि एक याद है रेनू मंडल करके एक आई थी औरत, उसकी तरह अब ये भी हो गया कि जैसे मैं यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें जिस तरीके ये न्यूज़ रिपोर्टर से बात कर रहा है कि जाके देख लो बोर्ड पर देख लो लिखा हुआ है, या जिस तरीके से बाकी मैंने इसका ये इंटरव्यू सुना है, ये देख लो जिसने इसने बोल रखा है उसमें कि मैंने तो बोला ही नहीं उसको मेरी वीडियो बनाने के लिए, जब वीडियो बना रहा था तो इतना रो क्यों रहा था। सर सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो में देखा कि वो बोल रहा है कि मैंने तो कुछ कहा ही था, और इस वाली वीडियो में देखो, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई, मटर पनीर की बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते। हाँ तो भाई देखी वीडियो उसकी, तो किस तरीके रो रहा है उस समय, तो जैसे दिखा रहा था पनीर की ये क्वालिटी, पनीर की वो क्वालिटी, जैसे उस भाई ने जैसे भी करा, उसने एक्सपोज करा, मतलब उसके बारे में मतलब एक्सप्लोर करा, उसको एक्सपोज तो नहीं एक्सप्लोर करा, ठीक है। तो उसमें दिखाया कि कैसी उसकी क्वालिटी थी, कैसा क्या नहीं था। तो पर तुम एक चीज़ नोटिस करो, उसकी वजह से फेमस हुआ, ठीक है, अगर उसने पैसे खाए। जो मैंने उस बंदे का भी इंटरव्यू सुना है, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया है, तो उसमें उसने बोला था, उसने एक लाइव अपनी बोला था कि 20 लाख रुपये मेरे पास आए हैं, पर 20 लाख रुपये उसने ये नहीं बोला कि मेरे अकाउंट में आए हैं, ठीक है। अगर शायद मैंने गलत सुना हो तो मेरे को तुम कमेंट में बता देना, ठीक है। और उसने उसे 20 लाख बोला है, तो उसने न्यूज़ में बोला है कि जब उसके अकाउंट में हम 70,000 रुपये जमा कराने जा रहे थे, तो उसमें उसका अकाउंट सील हो गया, फ्रीज हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट में जो अचानक से 20 लाख रुपए मतलब जो अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो इस चक्कर में उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। वहाँ पे जब हम गए, हमने 75,000 रुपए जमा कराए, और हमने वहाँ पे बैंक को बोला ये पासबुक है आप इस पे एंट्री दे दीजिए कि 75,000 रुपए जमा हो गए। बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ चुका है। अच्छा, तो 20 से 25 लाख रुपए विद इन 24 घंटे भी नहीं हुए वीडियो देख लो कि क्यों उसका ऐसा हुआ है, ठीक है। और वो सोच रहा है कि उसने खा लिया, उसके वाइफ को उसके वाइफ के अकाउंट में ले लिया, उसने जिसके भी अकाउंट में ले लिया वो भी अपनी जगह गलत है। क्यों? अगर वो अच्छा होता ना तो वो अपनी वाइफ की भी स्टेटमेंट दिखाता, अपने भाई की भी स्टेटमेंट दिखाता,
पर वो अपनी सिर्फ अपनी ही स्टेट में दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इस चक्कर में ये वीडियो बना रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आगे इसके बारे में बता सकूँ। मैं गया था उधर जो बाबा का ढाबा पर, अभी जब कल गया था मैं बाबा के ढाबा पर, तो मैंने वहाँ जाकर देखा जो बंदा पूरा दिन दुकान खोलता था वो हार्डली 12:30 के करीब मैं गया हूँ, दुकान बंद थी, ठीक है। और अभी भी उसकी दुकान के बाहर स्पॉन्सर आ रखे थे, एक पीनट बटर का स्पॉन्सर वाला आ रखा था। मैं ये हैरान हूँ, अगर उसने वीडियो ना बनाई होती ना तो जो तो भी तेरे पास इतना पैसा है वो नहीं होता, और तू उस बंदे को बोल रहा है कि मैंने थोड़ा कहा था वीडियो बनाने के लिए। तो भाई कम से कम एक चीज़ को देखो कि जिसके चक्कर में तू इधर से इधर तो आया है, चाहे तेरे को पैसा कम मिला पर मिला तो है, तू तो वो 50-100 वाला था। बात है उसके खाने की, जिसने खाने के चक्कर में वो चला था उसका खाना बिल्कुल रद्दड़ हो गया, ठीक है। रद्दड़ के साथ साथ जो 50 की चीज़ दे रहा था उसने, मतलब जो 30-40 दे रहा था उसने वो रेट बढ़ा दिया, एटीट्यूड सा आ गया उसके अंदर। बाकी तो वो पहले तो अपनी पूरी पूरी थ्योरी बताया था अपनी फ्यूचर पास के बारे में, ठीक है, कि मेरे साथ ये हुआ ऐसा हुआ, मेरे बच्चों ने ये कर दिया। बच्चों से एक चीज़ और याद आई कि तुम एक बार जाके इसकी बेटी का जो है, बेटे मतलब शराब पीते हैं जो, मतलब आपके बेटे नहीं पीते, हमारे पापा पीते हैं। अच्छा, पापा पीते हैं। हाँ, और वो ये भी मतलब जो बाबा हैं। हाँ, बाबा ढाबा वही। अच्छा, तो मतलब वो कहते थे कि पैसे कमा नहीं पाते हैं, 50-70 रुपये ही कमा पाते थे, इसलिए जो है लोग हेल्प ही नहीं करते बेटे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, बेटे हेल्प नहीं करते, मानते हैं जब ये पी करके बच्चों को अनाप शनाप कहेंगे, मारेंगे पीटेंगे, करने की कहेंगे कि तू भाग जाए, ये भाग जाए, तुम किस लिए हो, मेरे को ये करके दो, नहीं तो ऑटो ऐसे भागो, ऐसे भागो, मेरा घर है तो कौन ऐसा करेगा। तो इंटरव्यू तुमने जैसा देखा कि वो बोल रही है कि पापा उसके मतलब दारू पीते थे, मतलब पीते हैं, इस चक्कर में उसने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया, जो इनके लड़ाई झगड़े। एक चीज़ और देखो, अगले ने मैनेजर रख लिया अपने दुकान के लिए और एक दुकान खोल रहा है। ये देखो उसके इंटरव्यू में जो मैनेजर का उसने बोल रखे कि मैनेजर हमने रखा है, तो वो जगह पर जाके आप उनको जब बता दीजिए कौन है ये, आप इनका काम काज देखते हैं? हाँ जी सर। क्या नाम हुआ? सुशांत अतुलखा नाम है सर। सुशांत, तो तुषांत क्या करते हैं आपके? तुषांत, तुषांत हमारे सारे काम देखते हैं। अच्छा, हैं, कोई भी होता है सर, सामान कोई लाना है, ये ग्राहक अटेंड करते हैं, सारे काम हमारे करते हैं। तो आपका और क्या काम है? आप क्या इनकी मार्केटिंग भी देख रहे हैं? मार्केटिंग देख रहे हैं सर, लेकिन हमने अभी तक किसी सोचा नहीं है, बट हम इनका थोड़ा सा बिजनेस एक्सटेंड करने में मदद कर रहे हैं। जैसे किस तरीके का बिजनेस? जैसे इन्होंने एक न्यू शॉप ली है रेंट पे, तो उसको अभी हम मतलब वहाँ पे थोड़ा वो करेंगे, क्योंकि यहाँ खाना बनाने की जगह नहीं हो पाती, आप देख ही रहे हैं कि कैसे सामान इतना ज्यादा फैल जाता है, और अब इनकी एज भी है तो इतना सारा सामान उठाना बार बार पतीले, तो वहाँ थोड़ा सा ये शॉप भी रहेगी, वहाँ थोड़ा सा खाना बन के और यहाँ पे आ गए। इसमें तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम इतने जो ये बेगर टाइप मतलब जो होते हैं कि यार रो के दिखा देते हैं, तो मदद करो उतनी करो जितनी इनके पस सके, वरना इनकी जो आंखें फट जाती है ना इस चक्कर में, ये पागल हो जाते हैं। जिसके चक्कर में फेमस हुआ उसी के खिलाफ FIR लिखवा दी, उसकी भी गलती है, उसने जो अपना करा वो क्या स्कैम करा उसके आगे वो जो, मैं बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि किसी की भी मदद करो उतनी करो जितना वो अपने झेल सके। जैसे कुत्ते को घी पसंद नहीं ना, वैसे इनको फैन फॉलोइंग पसंद नहीं। रेनू मंडल नाम की थी एक, वो गाना गा रही थी, गाना गा के कितना ऊपर आ गई थी, जब उसने इंटरव्यू में बोला होगी ना DPM में दबा दी ना उसे उसको, तो भैया इनको इतना मत करो, कभी भी किसी को हेल्प करो हाथ बंद करके करो, किसी को बताना चले, और इतनी करो जो इतनी झेल सके। किसी ने कुछ कर दिया, स्पॉन्सर्ड आ गए, ये आ गया, वो आ गया, अब देखो जिसका सामान नहीं बिक रहा था 50 का, वो आज आंखों का ऑपरेशन करा बैठा, क्यों? क्योंकि स्पॉन्सर आया था। दुकान कितनी अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि स्पॉन्सर आया था। उसकी दुकान के बाहर इतना अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ने फ्री में करा, दुनिया कुछ दे रही है। एक चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के ये चीज़ देखना। तब के लिए गुड बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, अगर तुम सबको मेरी वीडियोस इस टाइप में चाहिए, जैसे कि दुनिया बारे में बताऊँ, थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, एक्सप्लोर मींस खाने के बारे में जाऊँ, बाकी मैं कोशिश करूँगा आज एक दो ब्लॉग खाने के दिखाऊँगा, और एक मैं अभी प्लान बन रहा है मेरा बाहर घूमने का, तो मैं वो भी दिखाऊँगा तुम्हें, सब दिखाऊँगा, मौज मरवाऊँगा। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो, तो पहले गुड बाय गाइस, मिलते हैं।